तो बीकानेर में भी राठौड़ राजवंश की जो शाखा थी वो जोधपुर से ही गई है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जोधपुर में। और जोधपुर में संस्थापक कौन थे? राव सीहा। बिल्कुल ठीक है। बीकानेर में जो राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे? राव सीहा। और राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कन्नौज के गहडवाल वंश से या फिर राष्ट्रकूट वंश से मानी जाती है। ठीक है। तो ये जोधपुर की जो शाखा थी यानी राव जोधा थे, राव जोधा के बारे में हमने पढ़ लिया काफी। राव जोधा का ही बेटा था जिसका नाम क्या था? राव बीका। राव जोधा ने उसको अपने साम्राज्य से निकाल दिया यानी जोधपुर से निकाल दिया था। और उसके बाद में बीकानेर में जाकर के अपने साम्राज्य की स्थापना की थी 1465 में। यानी बीकानेर में जो राठौड़ राजवंश की स्थापना है वो कब हुई है? 1465 में राव बीका ने, राव बीका ने स्थापना की। जिसकी इसने अपने चाचा कांधल और भाई बीदा की सहायता से राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। तो सहायता इसमें किसने किसने की है? सहायता इसके चाचा थे जिसका नाम क्या था? चाचा कांधल। और भाई क्या नाम था? बीदा। इन दोनों की सहायता से 1465 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की है। इसके बाद 1488 में, ये तो क्या है 1465, तो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई है? 1465 में। किसने की है? राव बीका ने की है। किस किस की सहायता से की है? चाचा कांधल और भाई बीदा की सहायता से। अब बीकानेर शहर कब बसाया? तो 1488 में उन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना की है। कब की है बीकानेर शहर की स्थापना? 1488 में की है। जूनागढ़ का किला किसने बनवाया है? जूनागढ़ का किला ये किसने बनवाया? बीकानेर में ही है ये भी। किसने बनवाया था? ठीक है, ठीक है। तो इसने बस दो तीन काम किए हैं। एक तो 1465 में राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की है। दूसरा 1488 में बीकानेर शहर बसाया है। और ये जो स्थापना हुई ये करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। करणी माता बीकानेर की आराध्य देवी है। कैसी देवी है? आराध्य देवी, जिसका देशनोक बीकानेर में मंदिर है। चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके चूहों को किस नाम से जानते हैं? काबा। सफ़ेद कलर के चूहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? काबा। यानी जो करणी माता है उन्हीं के क्या माना जाता है? उनको वंशज मानते हैं कि वो ही क्या है, चूहे के रूप में आते हैं। दूसरा, कोडम देसर में इन्होंने भैरव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। ये लिख लिया। कोडम देसर बीकानेर में एक जगह है। कोडम देसर ये बीकानेर में है। और इसमें क्या हुआ किया है इन्होंने? भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। राव बीका के बारे में याद रखना है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना, बीकानेर शहर की स्थापना, भैरव जी का मंदिर और करणी माता के आशीर्वाद से। इसके बाद सेकंड है राव जैत सिंह। कोडम देसर राव जैत सिंह। ठीक है। अब उसके बाद में राव जैत सिंह, जैत सिंह का नाम सुना है? राव जैत सिंह रो छंद किसकी रचना है? बिट्टू सूजा। किसकी है?
मिठू सुजा की है। राव जैतसी के बारे में हमें राती घाटी का युद्ध याद रखना है। इसने क्या किया था? राती घाटी का युद्ध हुआ था राव जैतसी और कामरान के बीच में। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और कामरान को क्या है, भारत यानी कामरान जब यहाँ बीकानेर में प्रवेश कर रहे थे तो उसमें उस समय जैतसी ने ही उसको रोका था। अदरवाइज क्या होता, राजस्थान से भी, पाकिस्तान होते हुए राजस्थान से मुगल एंटर हो रहे थे। तो एक जगह हमें इसमें राती घाटी का युद्ध याद रखना है 1534 में। 1534 राती घाटी का युद्ध, और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? राव जैतसी वर्सेस कौन था इधर? कामरान। और कामरान को कोष्टक में लिख लेना, ये कौन है? हुमायूं का भाई है। जैतसी एवं कामरान के बीच में हुआ था, ये हुमायूं का भाई है। इसी के ऊपर जो किताब लिखी गई थी उसी का नाम है राव जैतसी रोचंद। और ये किताब किसने लिखी है? बिठू सूजा ने। राव जैतसी रोचंद ये किताब लिखी है बिठू सूजा ने। इस किताब से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। राव जैतसी रोचंद से हमें राती घाटी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। हो गया। राव जैतसी के जो पिता थे उनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी इसलिए हमने बीच में उनको छोड़ दिया। जैसे हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे तो चौहानों में मेन मेन चौहान है उनके बारे में ही पढ़ेंगे, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही हम बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे तो राठौड़ों में जो मेन मेन जो बहुत अच्छा काम करके गए हैं उनको हम देखते हुए चल रहे हैं। तो लूणकरण के बारे में इतना ध्यान रखना है कि राव जैतसी के पिता जिनका नाम क्या था? लूणकरण। उनको कलयुग का करण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलयुग का करण। लिख लो ये उपाधि किसको दी गई है? कलयुग का करण। कलयुग का करण किसको कहा गया है? लूण करण, और कोष्टक में कर लेना राव जैतसी के पिता हैं। लूण करण राव जैतसी के पिता। देन इसके बाद आते हैं राय सिंह। कौन है? राय सिंह। और राय सिंह किसके पुत्र हैं? कल्याणमल के पुत्र हैं। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि लूणकरण को ना पढ़ के हमने जैतसी को पढ़ा है, ऐसे ही हमने कल्याणमल को ना पढ़ के सीधा किसको पढ़ रहे हैं? राय सिंह को। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राय सिंह के पिता हैं उसका नाम क्या है? कल्याणमल है। 1570 में नागौर दरबार लगा था जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। किस लिए लगाया गया था? कल भी हमने जोधपुर जब राठौड़ पढ़ रहे थे तो हमने 1570 के नागौर दरबार की बात की थी कि चंद्रसेन वहाँ चला जाता है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता और अकबर से बिना मिले ही क्या होता है, वो भादराज उनकी तरफ निकल जाता है। वही नागौर दरबार की आज बात कर रहे हैं। याद नहीं करके आते इसका मतलब है ना? रिवीजन कर लिया करो, ज़्यादा या बर्डन हो जाता है तो एक बार रिवीजन मार लिया करो पूरे का। देखो 1570 में क्या हुआ था, नागौर दरबार लगाया गया था। उद्देश्य क्या था? अकबर पूरे राजस्थान के राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था। इसी नागौर दरबार में कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ में उपस्थित होते हैं और राय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो नागौर दरबार में राय सिंह पिता कल्याणमल के साथ उपस्थित हुआ। एवं अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
अकबर ने इसके बाद राय सिंह से खुश होकर के उसको कितने परगने दिए? 51 परगने दिए। परगने जानते हो, एक छोटी छोटी रियासतें थी उस टाइम राजस्थान में बहुत सारी, तो उनका जो है 51 परगनों का अधिकार किसको दिया? उन्होंने राय सिंह को दिया। राय सिंह किस किस मुगल शासक के दरबार में था? अकबर तो निश्चित है, इसकी तो अधीनता स्वीकार की है। उसके अलावा अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। साजा कहाँ से आएगा बेटा? अकबर एवं जहांगीर दो मुगल शासकों के साथ में इन्होंने काम किया है। लिख लो इसमें, 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने दिए, 51 परगने दिए, राय सिंह ने दो मुगल शासकों के साथ, राय सिंह दो मुगल शासकों के दरबार में मनसबदार था, अकबर एवं जहांगीर। ठीक है, अब क्या होता है कि अकबर का ही बेटा जिसका नाम है जहांगीर, खुसरो, अन्य किस नाम से जानते थे जहांगीर को? खुसरो के नाम से। तो जिस समय जहांगीर ने क्या किया, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो आगरा के किले की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राय सिंह को दी गई थी। किसको? राय सिंह को। देखो इसमें, आगरा के किले की जिम्मेदारी जहांगीर के विद्रोह के समय राय सिंह को सौंपी गई। अब राय सिंह ने कुछ साहित्य की रचना भी की है, तो साहित्य में उन्होंने दो किताबें लिखी हैं। एक है राय सिंह महोत्सव और दूसरी है ज्योतिष रतनमाला। ज्योतिष रतनमाला, राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रतनमाला, ये दोनों ही राय सिंह के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और इसके दरबार में कौन कौन दरबारी विद्वान थे? राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी है? बीकानेर का किला किसने बनवाया था? जूनागढ़, राय सिंह ने बनवाया था ना, शुरू में बात कर ली थी हमने। वो इसलिए मैंने उसके साथ में बताया था कि कई बार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। जोधपुर नगर को किसने बसाया? राव जोधा ने। और मेहरानगढ़ का किला किसने बनवाया? राव जोधा ने। लेकिन बीकानेर में थोड़ा सा अलग है, बीकानेर की स्थापना किसने की? बीका ने की। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? बीका ने। लेकिन बीकानेर के किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया, बीका ने नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में बताया था। तो राय सिंह जो है उसने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया और उस पर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसको कहते हैं राय सिंह प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अब नोट करो इसमें, इसके जो दरबारी विद्वान हैं इनमें ही है जयता और ये क्या है, राय सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं। जयता दूसरे हैं जयसोम और करमचंद। जेता, जयसोम और थर्ड कौन है? करमचंद।
जेता, जयसोम और करमचंद। 1589 में जूनागढ़ के किले का निर्माण रायसिंह के द्वारा करवाया गया। हो गया, कब बनवाया गया था जूनागढ़ का किला? 1589 में। और बीकानेर की स्थापना कब हुई है? 65 में। और बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई है? 1588 में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, लेकिन इसके साथ साथ अब एक क्वेश्चन उसमें और रह गया कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है? बीकानेर का कर्ण कहा है। लूणकरण को क्या कहा जाता है? अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते हैं, लेकिन बीकानेर का कर्ण किसको कहते हैं? राय सिंह को। जिस तरीके से कर्ण जो था, राजा कर्ण, वो दान के लिए फेमस था, दान वीरता के लिए फेमस था, ऐसे ही ये राजा भी अपने दान वीरता के लिए फेमस रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको कलयुग का कर्ण या इस टाइप की उपाधियां दी गई हैं। तो इसको लिखो, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को बीकानेर का या राजपुताने का कर्ण कहा है। बीकानेर का या राजपुताने का कर्ण कहा है। अब है इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़, ये कौन थे? इनके बारे में तो बहुत फेमस किताब है इनकी लिखी हुई, जिसके कारण से इनका नाम याद होना चाहिए। वेली किशन रुक्मणी री, नहीं सुना? आरपीएससी ने कम से कम भी 4 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। वेली किशन रुक्मणी री के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। एक बार क्वेश्चन ये आया, दूसरी बार ये आया कि किस ग्रंथ को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? वेली किशन रुक्मणी री। ठीक है, तो लिखो इसमें, पृथ्वीराज राठौड़ ये कौन था? राय सिंह का भाई था। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी राय सिंह का भाई था ये। लिखो, राय सिंह का छोटा भाई, जो अकबर के दरबार में रहता था। अकबर ने इसको गागरोन की जागीर दे रखी थी। कहाँ की? गागरोन कहाँ पे है? जैसलमेर में। गागरोन का किला, शाबाश, कहाँ पे है? झालावाड़ में। गागरोन का किला जल दुर्ग का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो दो नदियों के संगम पे है, आहू एवं काली सिंध। तो गागरोन की जागीर जो है इसको दी गई थी अकबर के द्वारा, और इसने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है वेली किशन रुक्मणी री। ये इनकी रचना है, वेली किशन रुक्मणी री। ये डिंगल भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा।
पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा है उसको किस नाम से जानते हैं? डिंगल के नाम से। और पूर्वी राजस्थानी भाषा को पिंगल के नाम से जानते हैं। तो ये किस भाषा में लिखी थी? डिंगल भाषा में। और दुरसा आढ़ा ने इसे पांचवा वेद कहा है। दुरसा आढ़ा ने दुरसा आढ़ा ने इसे किस नाम से जाना है? पांचवे वेद के नाम से जाना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं रचना के बारे में और पांचवे वेद के बारे में। इसके साथ साथ इसे 19वां पुराण भी कहा जाता है। 19वां पुराण ये भी दुरसा आढ़ा ने कहा है, पांचवा वेद या 19वां पुराण। ठीक है। एलपी टेस्टिटोरी एक साहित्यकार हुए थे, अंग्रेज साहित्यकार थे, और उन्होंने भी राजस्थानी साहित्य पे काफी कुछ लिखा है। तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए क्या कहा? डिंगल का हैरोस। क्या उपाधि दी थी इनको? एलपी टेस्टिटोरी। इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है डिंगल का हैरोस। जबकि जेम्स टोड ने इन्हें कहा है 10,000 घोड़ों का बल। जेम्स टोड ने कहा है इनके बारे में 10,000 घोड़ों का बल। इसके बाद है करण सिंह। इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं पृथ्वीराज राठौड़ में, तो इसके फैक्ट हैं, याद रख लेना इनको। तीन चार मेन मेन फैक्ट हैं, मेन इनकी रचना को लेकर के है कि वेली किसन रुक्मणी के रचयिता कौन है, डिंगल का हैरोस किसको कहा जाता है, किसने कहा है, पांचवा वेद किसने कहा है, 19वां पुराण किसने कहा है, और उसके अलावा हाँ 10,000 घोड़ों के बल के नाम से किसने जाना है। ठीक है। अब है करण सिंह। करण सिंह इसको कहा जाता है जांगलधर बादशाह, यानी इसने जो उपाधि धारण की थी वो क्या थी? जांगलधर बादशाह। हम पहले पढ़ चुके हैं जांगलधर जो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसको जांगलधर के नाम से जानते हैं, और करण सिंह ने अपने आप की जो उपाधि धारण की थी वो थी जांगलधर बादशाह। इनकी जो साहित्यिक रचना है वो है साहित्य कल्पद्रुम। हाँ, जंगलधर बादशाह ये उपाधि है, और इनकी साहित्यिक रचना है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य जो इन्होंने लिखा है वो है साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह के दरबार में जो दरबारी विद्वान थे उनमें था गंगाधर, और गंगाधर ने जो रचनाएं लिखी हैं वो है कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। गंगाधर इन्होंने रचनाएं की हैं कर्ण भूषण, और दूसरी इसकी रचना जो है वो क्या है? काव्य डाकिनी। ये साहित्यिक रचना करण सिंह की है बेटा, साहित्य कल्पद्रुम। और गंगाधर इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी।
अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है, तो गंगाधर किसके दरबारी कवि थे? करण सिंह के। या रचनाओं के बारे में आ सकता है, करण भूषण के रचयिता कौन है? गंगाधर हैं। काव्य डाकिनी के रचयिता कौन है? गंगाधर हैं। साहित्यिक कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कर्ण सिंह है। ये जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? कर्ण सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट है अनूप सिंह। अनूप सिंह, अनूप सिंह किसके का शासन काल में थे? किस कौन से मुगल बादशाह थे जिसके शासन काल में थे? शाहजानी। उसके बाद हम दो दिन पढ़ चुके हैं, औरंगजेब के शासन काल में थे और औरंगजेब ने इनको दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा था। जब ये दक्षिण भारत विजय की तो इनको औरंगजेब ने क्या उपाधि दी थी? माही भरातीव। औरंगजेब द्वारा दी गई उपाधि है माही भरातीव। किस उपलक्ष में दी गई थी ये उपाधि? दक्षिणी भारत विजय के उपलक्ष में इनको माही भरातीव की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, और ये बना हुआ है बीकानेर में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में। बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंदिर यहाँ है तो साल भी यहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना कि ये मंदिर जो है वो बीकानेर में है। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल ये है जोधपुर में। एक बार ऐसे ही इसी टाइप से जो लिंक क्वेश्चन होते हैं वो आरपीएससी पूछ लेती है। उन्होंने पूछा कि ताल छापर अगर चूरू में है तो छापरवाड़ा कहाँ पर है? चूरू, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। सीताबाड़ी, सीता माता धौलपुर में है तो सीताबाड़ी कहाँ पर है? तो ऐसे जो लिंक क्वेश्चन होते हैं ना उनको हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये यहाँ है तो ये भी यहीं होगा। ताल छापर चूरू में है लेकिन छापरवाड़ा जयपुर में है, ठीक है। और दूसरा था सीता माता चित्तौड़ में है, जबकि सीताबाड़ी जो है वो बारा में है। सहरिया जनजाति जो है उनका कुंभ कहा जाता है उसको, उनका बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे, इसलिए क्या जो है सीताबाड़ी फेमस है, ठीक है। अब 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है वो बीकानेर में है, लेकिन अगर साल आए तो बताना इसको जोधपुर में है। इन्होंने अनूप पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई। इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई जिसका नाम क्या था? अनूप पुस्तकालय। अपने खुद के नाम से ही करवाई इन्होंने अनूप पुस्तकालय की, और इसमें जो ग्रंथों का संकलन किया है उसमें मेवाड़ और मारवाड़ की जो भी साहित्यिक रचनाएं थी उनका संकलन किया है, जैसे कुंभा की साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद अनूप सिंह के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं इसका इसे क्या सिद्ध हो रहा है कि अनूप सिंह को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। जैसे कि मुगल बादशाह थे जो बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन थे, लाइब्रेरी में बैठे रहते थे और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के क्या हुआ एक दिन अंत हो गया था।
कौन था वो? हुमायूं। ऐसे अनूप सिंह को भी बड़ा शौक था लाइब्रेरी में बैठने का, और ये साहित्यिक रचनाएं लिखते थे, इन्होंने बहुत लिखी हैं। इनकी रचनाएं लिखो, अनूप विवेक, अनूप सिंह की साहित्यिक रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं इसकी? अनूप विवेक, सेकंड है काम प्रबोध, अनूप विवेक काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, और अनुपोध है। अनूप विवेक काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोध है, इनकी साहित्यिक रचनाएं थी। हो गया। इसके समय बीकानेर में उस्ता कला बहुत फेमस हुई थी। उस्ता कला क्या है? हाँ बिल्कुल, ऊँटों की खाल पे चित्रांकन का जो कार्य किया जाता था उसको क्या बोलते थे? उस्ता कला। तो लिख लो इसमें, अनूप सिंह के समय बीकानेर में उस्ता कला का विकास हुआ, या उस्ता कला पर विशेष काम हुआ। उस्ता कला, और ये क्या थी? ऊँट की खाल। ऊंट की खाल पर चित्रांकन था। हो गया। अनूप सिंह के दरबार में बहुत सारे दरबारी कवि रहते थे, क्योंकि जो राजा खुद जो है साहित्य में रुचि लेता है तो उसके दरबार में भी खूब सारे जो है साहित्यकार मिलेंगे। जैसे अपने वहां पे पढ़ा था माणा कुंभा ने जो है साहित्यिक रचनाएं लिखी थी, और कुंभा के साथ साथ बहुत सारे उसमें दरबारी कवि भी आ रहे थे। ऐसे ही अनूप सिंह के दरबार में भी बहुत सारे दरबारी कवि हैं। पहले हैं भावभट्ट। भावभट्ट की रचनाएं लिख लो, कौन कौन सी हैं? भावभट्ट, इसने लिखा है संगीत से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं। अब एक बार वापस से हमें पूरा अनूप सिंह को देख लेना है कि अनूप सिंह ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया है। सबसे जो मेन काम किया है वो क्या है इसका? ठीक है, 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया है इसने। सबसे मेन जो काम है वो साहित्य में किया है, इसने अनूप पुस्तकालय की स्थापना करवाई है, और इसने साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं जैसे कि अनुपोदय, अनूप विवेक, काम प्रयोग और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, इस टाइप की इनकी रचनाएं हैं। साथ में इन्होंने दक्षिण भारत विजय की, और उसके उपलक्ष में औरंगजेब ने जो है इनको उपाधि दी थी माही भरातीव के। उस्ता कला पे भी काम किया है, और भावभट्ट इनके दरबार में दरबारी विद्वान थे। इसके बाद आते हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह, सूरत सिंह का मेन जो काम है वो है 1805 में इन्होंने क्या किया था? भटनेर की किले पर अधिकार किया।
यानी भटनेर का या हनुमानगढ़ का किला जीता। सूरत सिंह ने 1805 में भटनेर का किला जीता और भटनेर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, हनुमानगढ़। सूरत सिंह ने ही इसका नाम चेंज करके क्या किया है, हनुमानगढ़। और दूसरी बात है 1814 में इन्होंने चूरू पे अधिकार कर लिया। इसका नाम कोष्टक में लिख लेना, क्या कर दिया था, हनुमानगढ़। 1814 में इन्होंने चूरू पे अधिकार किया। और चूरू का जो किला है वो एक चीज के लिए फेमस है, साहित्यिक जो इतिहास है पूरा उसमें हम चांदी के किले, चांदी के गोले अगर कहीं से पढ़ते हैं तो सिर्फ एक चूरू का किला है। तो इसी के काल में हुआ था, सूरत सिंह के काल में ही 1814 में चूरू के किले से क्या हुआ, लास्ट में जब गोला बारूद ख़त्म हो गया तो चांदी के गोले दागना शुरू कर दिया। देख लो इसमें 1814 में चूरू पर अधिकार किया, 1814 में चूरू पर अधिकार किया, इसी समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। और इस समय इस किले में जो सामंत था वो कौन था, शिवराज सिंह। ये यहाँ पे क्या था, सामंत था। नौ मार्च 1818 को इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। 9 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली या संधि की। जोधपुर में किसने की थी, लास्ट शासक जो था जिसके बाद हमने पढ़ा ही नहीं, मुगलों से संधि किसने की थी मेवाड़ में। इधर से ये तो बहुत फेमस था कि बेचारा संधि करने के बाद इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उनके मरने का रीजन भी वही रहा था कि मुगलों से संधि की है उन्होंने। बेटा भारमल मेवाड़ में कहाँ से आएगा, करण सिंह के दबाव में आके की थी और करण सिंह के पिता का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 9 मार्च 1818 को अंग्रेजों से इन्होंने संधि कर ली थी। इसके बाद है रतन सिंह। रतन सिंह रतन सिंह के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कन्यावध जो है उसके ऊपर, कन्यावध जो प्रथा है उसके ऊपर रोक लगाई थी। राजपूतों में बहुत ज्यादा फेमस थी कि अगर लड़की जन्म लेती थी तो उसको जन्म होते ही क्या कर देते थे, मार देते थे। तो इन्होंने गया, बिहार में एक जगह है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, वहाँ पे अपने सामंतों को शपथ दिलाई थी कि कन्या वध नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इनके जो साहित्यिक जो रुचि है उसके कारण से इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिनकी रचनाएँ हैं, जैसे दयालदास। दयालदास ने क्या लिखा है, पहले तो इसके बारे में लिखो कि इन्होंने कन्यावध
कन्या वध पर रोक लगाने का प्रयास किया या रोक लगाई? कहाँ पर? गया, बिहार में। और इनके जो दरबारी विद्वान थे इनका नाम था दयाल दास दयालदास की साहित्यिक रचना है बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात ये आखिरी ख्यात थी, इसके बाद में कोई ख्यात नहीं लिखी गई है। पहली ख्यात कौन सी थी? जोधपुर में लिखी गई थी और मैंने बताया भी था कि ये अपनी जो है ख्यात में जो पहली ख्यात यही थी, नैणसिरा ख्यात, ठीक है। और बीकानेर राठौड़ारी ख्यात ये दयालदास सिंधायाच ने लिखी है, ये अंतिम ख्यात थी। कल यूपीएससी किस किस ने दिया है? किसी ने नहीं दिया यूपीएससी का प्री? कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि यूपीएससी के भी कर रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ किसने दिया है। उसमें पुराना साहित्य बहुत ज्यादा पूछा है, पुरानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट बेस पे इस बार कम पूछा गया है। पिछली बार जैसे पूरा पेपर करंट बेस पे था, तो फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हार्ड था, सेकंड सही था। तो ये है रतन सिंह, और रतन सिंह ने जो मेन काम किया है वो है कन्यावध पे इन्होंने रोक लगाई है। गया बिहार में अपने सामंतों को शपथ दिलाई कि कन्यावध नहीं करेंगे। इनके दरबार में जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था दयाल दास, और दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखे है जो अंतिम ख्यात ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद हैं गंगा सिंह। गंगा सिंह ने बहुत काम किए हैं बीकानेर में। राय सिंह के बाद जो है सबसे ज़्यादा काम गंगा सिंह ने ही किए हैं, या फिर शुरू में करके गए हैं राव बीका। गंगा सिंह ने इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी नींव किसने रखी? अगर पूछा जाए इसके जो विचार था इंदिरा गांधी नहर का, वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? राव गंगा सिंह के द्वारा। एक कंवर सिंह नाम का इंजीनियर था जिसने ये प्रस्ताव रखा था, और गंगा सिंह जी इस प्रस्ताव को लेकर के अंग्रेजों के पास गए थे, और उसके बाद से क्या है इसकी शुरुआत हुई थी जो आज इतनी बड़ी इंदिरा गांधी नहर बनी है। तो इसमें देखो इनको राजस्थान का भागीरथ भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि राजस्थान में जो है ये गंगा नहर को या गंगा इंदिरा गांधी नहर को लेके आए थे। लिखो इसमें गंगा सिंह राजस्थान का भागीरथ नाम से उपाधि दी गई। चीन में कोई बागसर विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाने में पूरी सफलता किसकी थी? गंगा सिंह की। इसलिए इनको जो है बागसर विद्रोह चीन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। चीन में बागसर नामक जगह पे कोई विद्रोह हुआ था जिसको दबाने में पूरा सहयोग किसका था? गंगा सिंह को। इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा। इसके बाद 1913 में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की।
किसकी स्थापना की है? 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की है। 1916 में BHU होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। BHU की स्थापना के लिए इन्होंने मदन मोहन मालवीय को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है। 1916 में यूपी में है बेटा, यूपी में है BHU, और इसकी स्थापना के लिए इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लिख लेना आप, मालवीय जी को सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी। इसके बाद 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। 1900 ये लिख लिया ना, 1918 में कहाँ गए ये? पेरिस शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र राजा यही थे। 1930, 31 और 32, तीन में तीन बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में ही इसने भाग लिया है। 1930, 1931 और 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ১৯২১ में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी, कब हुई है? 1921 में। और इन्हीं के प्रयासों से हुई थी ये। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो गंगा सिंह ही थे। ये तीनों चारों जो अभी कंटिन्यू लिखवाए हैं, चारों ही आरपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई, नरेंद्र मंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई, राजस्थान से कौन से राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो गंगा सिंह, नरेंद्र मंडल भी इसी के माध्यम से स्थापना हुई है, और इससे पहले क्या बताया था मैंने, BHU की स्थापना में सहयोग किस राजा ने किया राजस्थान से, गंगा सिंह। गंग नहर का हर बार पूछ लेते हैं, गंग नहर अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया जो रिपीट नहीं होगा, कि गंग नहर की स्थापना में किसका सहयोग था या राजस्थान में जो है इसको लाने की शुरुआत किसने की ही, गंगा सिंह ने। इसके बाद 1927 में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसे इस कारण से इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंजीनियर कौन था इसका? कंवर सेन था। इसके अलावा इन्होंने कुछ मंदिर भी बनवाए, कौन कौन से? रामदेवरा जैसलमेर में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में और देशनोक बीकानेर में। इन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। जो मंदिरों का वर्तमान स्वरूप है वो इन्हीं की देन है। मंदिर पहले भले छोटा रहा हो लेकिन वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिलता है वो गंगा सिंह की ही देन है। मंदिर का निर्माण इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? रामदेवरा, ये कहाँ है? जैसलमेर में। गोगा मेडी, ये है हनुमानगढ़ में।
और देशनोक है बीकानेर में। ठीक है, इसके पास एक ऊँटों की बहुत बड़ी सेना होती थी जिसको गंगा रिसाला के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गंगा रिसाला। ये क्या थी? गंगा सिंह की ऊँटों की सेना। गंगा सिंह की ऊँटों की सेना जिसको क्या बोलते थे? गंगा रिसाला बोलते थे। और इन्होंने विक्टोरिया एम्प्रेस, बीकानेर के जो सिक्के थे उनके ऊपर विक्टोरिया एम्प्रेस के नाम से छपवाए। ये अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए अपने सिक्के जो थे बीकानेर के उन पे भी क्या लिखवा दिया? विक्टोरिया एम्प्रेस। और यहाँ तक कि मेवाड़ के सिक्कों पे भी इन्होंने क्या करवाया है? दोस्ती लंदन लिखवाया है। मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। मेवाड़ के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? कई बार ये भी पूछ लेते हैं, जयपुर के सिक्कों क्या कहते हैं? मेवाड़ के सिक्के हैं स्वरूप शाही। कौन से सिक्के हैं? कई बार पगड़ी भी पूछ लेते हैं, पगड़ी भी फेमस है हर एरिया की। तो ऐसे ही जो मेवाड़ के सिक्के थे स्वरूप शाही, उन पे इसने क्या लिखवाया? दोस्ती लंदन लिखवाया। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ? बीकानेर का स्वरूप शाही, बीकानेर के राठौड़ वंश कंप्लीट हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौहान जो अजमेर के हैं।